नमस्कार। आज के मेरे पॉजिटिव टॉक शो में मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा उन शख्सियत की जिन्होंने आज से लगभग 21 साल पहले 1 करोड़ रुपए की कैपिटल से शुरू किया, जो बढ़कर 21 साल में 5,000 करोड़ हो गई। उनकी जो स्टाफ की जो स्ट्रेंथ थी वो 3 लोगों की थी, जो बढ़कर आज 7,000 हो गई है। ऐसी शख्सियत को मुझे बात करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री रशीद शाह जी को, जो चेयरमैन एंड सीईओ हैं एडलवेस ग्रुप के। रशीद जी, स्वागत है आपका। रशीद जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो मैजिक हुआ, ये कैसे हुआ? कहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और कैसे ये 1 करोड़ से 5,000 करोड़ और 3 लोगों से 7,000 लोगों तक पहुँचने की जो जर्नी रही, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शक को जानना चाहेंगे, क्योंकि ये इंस्पायर करेगी बहुत सारे और यूथ्स को। ये जो आपने जो कहा, ये जो मैजिक है, ये एक्चुअली इंडिया का मैजिक है। क्या होता है, इंडिया में लास्ट 21-22 साल में काफ़ी ग्रोथ हुआ है, लेकिन इंडिया में क्या होता है, हम जो हर रोज़ न्यूज़पेपर देखते हैं, रोज रोड पे देखते हैं, ट्रैफिक जाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बलिंग है, वही प्रॉब्लम है, वही पॉलिटिक्स, वही यू नो स्कैंडल्स होते रहते हैं। तो हमें ये महसूस होता है कि इंडिया में कहीं ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखिए लास्ट 21 साल में इंडिया की इकोनॉमी 10 टाइम्स से ग्रो हो गई है। हमारी इकोनॉमी एवरी 5 से 6 साल में डबल हो रही है अभी। तो ये जो ग्रोथ है, ये जो ग्रोथ मोमेंटम है, हम सब उसी के पार्ट हैं। और इंडिया में ये जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी है, उस पर अगर आप आँख डालिए, उसमें आप अगर उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और उसके हिसाब से बिजनेस कीजिए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम लोगों ने एडवाइस में यही किया है। हम लोगों ने 21 साल पहले एडवाइस स्टार्ट की थी, जब इंडिया वॉज ओपनिंग अप, ये जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो रहा था, तो उसमें ये थोड़ा महसूस हुआ कि कुछ एक न्यू इंडिया क्रिएट हो रहा है। और हमने सोचा कि हम एक न्यू एज कंपनी फॉर न्यू एज इंडिया के यू नो के मानिए हमने एडवाइस क्रिएट की। और ये अच्छा है, क्योंकि आई थिंक लास्ट 21 साल में फाइनेंशियल सर्विसेज में काफ़ी ग्रो, एक्चुअली काफ़ी इंडस्ट्रीज, आप अगर देखिए टेलीकॉम देखिए, ऑटोमोबाइल्स देखिए, FMCG देखिए, कहीं से कहीं कितने कंपनियां आगे आ गई है। तो उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है। और हमारा एक अच्छा हो गया कि हमें बहुत अच्छे लोग मिले हैं। तो हमारे जो एडलवाइस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ये कि हम अट्रैक्ट करते हैं अच्छे अच्छे लोग, जो कंपनी में आके अपनी खुद की कंपनी है यू नो उस किस्म से काम करते हैं, कि वो जो कल्चर ऑफ ओनरशिप कहते हैं वो हमारी कंपनी में बहुत स्ट्रांग है। और इसी मायने ये धीरे धीरे स्टडी स्लो एंड स्टडी का यू नो कुछ साल बहुत फास्ट ग्रोथ हुआ, कुछ साल थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन 21 साल में ये काफ़ी ग्रोथ हो गया है। आपका एक कोट मैंने पढ़ा था, दैट एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिकैलिब्रेट। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहें सर अपने एडलवेस से, तो कैसे बताएंगे आप कि विच वर द सेटबैक और कैसे आपने उनमें अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा? सी, ये क्या है ना, जो हर सेटबैक आता है इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि अगर एक विंडो क्लोज होती है तो और एक दो विंडो ओपन हो जाती है। हमें आँख खोल के वो जो कहाँ पे विंडो ओपन हुई है इसको ढूंढना है, इसको ढूंढ के निकालना है। सो फॉर एग्जांपल, हमने जब एडलवाइस स्टार्ट की थी तो हमने 1 करोड़ से की एक्विटी से चालू की थी, और वो 1 करोड़ यूँ थी क्योंकि उस टाइम Category 1 इन्वेस्टमेंट बैंक होना है आपको, तो उसके लिए 1 करोड़ की कैपिटल चाहिए। और हमारा तो ये प्लान था कि हम IPO करेंगे, कैपिटल मार्केट का यू नो ये सब करेंगे एज अ Category 1 मर्चेंट बैंक। लेकिन हमने जब एडलवाइस स्टार्ट की, उसके एक हफ्ते के बाद सेबी ने 1 करोड़ का 5 करोड़ कर दिया। उस टाइम ऑलरेडी कहीं 450 Category 1 मर्चेंट बैंक्स थे, और हमें इतना हादसा हो गया कि ये माय गॉड, अभी तो हमारा कुछ बिजनेस प्लान ही नहीं है। लेकिन वो जो सेटबैक आया, उसमें हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी क्लाइंटों से बात की, फिर ये मालूम पड़ा कि लोगों को प्राइवेट इक्विटी रेस करनी है, लोगों को M&A के लिए एडवाइस चाहिए, और इसके लिए Category 1 की कुछ ज़रूरत नहीं है, और उसमें हमारा एक बिज़नेस मॉडल आ गया। तो हर टाइम हमने देखा है कि जब भी मार्केट ख़राब हो जाता है, एनवायरनमेंट ख़राब होता है, कुछ सेटबैक आते हैं, उस टाइम पे ही कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाते हैं। और आपको वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड, जो आपका भी टॉक है पॉजिटिव टॉक करके, वो उस टाइम पे द हार्डेस्ट थिंग इज़ योर पॉजिटिव यू नो इमोशनल एनर्जी। आपकी जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो तो ऊपर नीचे होती रहेगी, मार्केट की अपॉर्चुनिटी यू नो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जब भी चीज़ें खराब है
तभी आपका जो इमोशनल कैपिटल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आप दो लोगों ने मिलकर 50-50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए डाला, आपने शायद किसी सिटी बैंक से शायद कुछ लोन लेके और वो अपने फादर से लेके आए, 1 करोड़ रुपए हमने इकट्ठा किया और अगले दिन पता चले कि नहीं अब तो 5 करोड़ की ज़रूरत है। तो पर मुझे लगता है सर कि इसमें शायद जो आपका जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, लाइक आप मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स में हैं, उसने कुछ आपकी मदद करी ये स्ट्रेस कम करने में? ये तो ऑलवेज होता है और हमारा तो ये मानना है कि ये जो एक यू नो एक कहावत है लैटिन में, एनिमो सानी इन कॉर्पस सानो, उसका ये मतलब है कि हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। तो अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो माइंड हेल्दी हो जाता है, अगर माइंड हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी हो जाती है। सो ये जो मेंटल फिजिकल स्पिरिचुअल का पूरा कॉम्बिनेशन होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एडलवाइज में हम हर एक एम्प्लॉय को एनकरेज करते हैं, हर एक एम्प्लॉय को, कि कुछ ना कुछ एक हॉबी होनी चाहिए जो आपके काम से अलग है। कोई भी हॉबी हो, आपको अगर यू नो एडवेंचर ट्रैकिंग करना है, साइकिलिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, रनिंग है, क्रिकेट है, जो भी है, लेकिन कुछ एक हॉबी होनी चाहिए, आइदर फिजिकल और मेंटल, लेकिन समथिंग जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके, जो आपके लिए एक काउंटर बैलेंस हो जाता है। अदरवाइज वही काम 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 करके, स्पेशली आज की जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है उसमें लोग काफ़ी बर्न आउट हो जाते हैं। जी अच्छा, मुझे और हमारे दर्शक से जानना चाहेंगे कि जो एडलवेस कंपनी है सर, आजकल वो क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं उसमें, क्योंकि आपका मल्टी एक्टिविटीज़ कंपनी है, आप इंश्योरेंस में भी हैं, आप लोन्स में भी हैं, आप एडवाइजरी में भी हैं, तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए अगर बताएं कि किन किन एक्टिविटीज़ में एडलवेस आज की तारीख में इन्वॉल्व है। सो हमने जो एडलवेस स्टार्ट की थी वो इनिशियली कैपिटल मार्केट में स्टार्ट की थी, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ब्रोकरेज है, वो सब। उसके बाद हमने एसेट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट की, उसके बाद हमने क्रेडिट चालू की, NBFC हमारी स्टार्ट हो गई, फिर हाउसिंग फाइनेंस हुआ, फिर हमने रिटेल ब्रोकिंग भी स्टार्ट की, उसके बाद हमने डिस्ट्रेस क्रेडिट, हमारी जो ARC है उसको स्टार्ट की। आज हमारे पास होम लोन है, ARC है, इंश्योरेंस है, NBFC है, ब्रोकिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, द एंटायर रेंज है अभी हम ऑफर कर सकते हैं हमारे क्लाइंट्स को। ARC के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपने जैसे कहा बैंक नहीं है, तो बैंकिंग लाइसेंस का सर क्या प्लान है? नहीं, अभी तो सोचना थोड़ा आगे की बात है, क्योंकि हम हालांकि हमारा ग्रोथ काफ़ी हुआ है, हम स्टिल हमारे माइंड में स्मॉल साइज मिड साइज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। आज हमारी जो एसेट बेस है वो अबाउट 35,000 करोड़ की है। अच्छा, स्ट्रेस एसेट्स की बात करी सर आपकी, ARC है, तो आज की तारीख में जितने भी बैंक्स हैं सर, दे आर स्ट्रगलिंग विद द NPS। आपके साथ क्या खास बात है, मतलब आप उनका रेजोल्यूशन कैसे देखते हैं, क्योंकि जो बैंक्स हैं सर वो तो उनका रेजोल्यूशन ढूंढने में शायद उनको अभी थोड़ा वक्त लग रहा है, जबकि बहुत सारे एक्स हैं, सिक्योरिटाइजेशन है, लेकिन वो शायद उतने कारगर उनको सिद्ध नहीं, प्रूव नहीं हो पा रहे हैं। तो आपकी जो ARC है उसमें और बैंकों का जो रेजोल्यूशन या रिकवरी प्रोसेस है उसमें क्या मतलब डिफरेंस क्या है सर? एक तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है ये फोकस का है, क्योंकि क्या होता है हर एक केस में आइदर 3-4 बैंक होते हैं या 8-10 बैंक होते हैं, तो उससे काफ़ी बैंकों के बीच में भी डिफ्यूज हो जाती है, और कोई ऐसी एक बैंक नहीं होगी कि वो जो ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी एल्स वो सब काम करेगी, क्योंकि उनके लिए उसमें कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं है और ये खटपट का काम है। तो हम क्या करते हैं, हम तो एग्रीगेट करते हैं डेट, हर एक बैंक से खरीदते हैं, जब भी हमारे पास 40-50% 60% डेट आ जाती है तभी हम कंपनी मैनेजमेंट के साथ बैठते हैं, प्रमोटर के साथ बैठते हैं, पूरा रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। काफ़ी केसेस होते हैं, ऑलमोस्ट आधे केस ऐसे हैं कि जहाँ पे उनको एडिशनल फंडिंग चाहिए, हम जो कहते हैं लास्ट माइल फंडिंग, और वो अभी उसका स्ट्रक्चर भी हो गया है प्रायोरिटी फंडिंग करके। सो ये एग्रीगेट करना, रिस्ट्रक्चरिंग करना, प्रमोटर को मैनेज करना, प्रमोटर्स भी आर नॉट वेरी ईजी टू मैनेज, उनका भी अपना अलग से ऑब्जेक्टिव होता है। हमारा तो फोकस है, हमारे लिए तो ये कोर बिजनेस है। और बैंकों में क्या होता है, ये बहुत सारे यू नो उनके कामकाज है। सो फोकस, और जो ये जो ARC का स्ट्रक्चर है जहाँ 85-15 होता है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि 85% तो बैंक का इंटरेस्ट अभी भी मायने है उसमें, तो उसके हिसाब से जो भी अपसाइड है, जो भी रिकवरी होगी उसमें बैंक का भी कुछ तो इकोनॉमिक इंसेंटिव होता ही है। तो ARC जो है एक बैंक के साथ पार्टनर भी है और एक बैंक के एजेंट भी है। नहीं, और इसमें शायद मुझे ऐसा लगता है शायद अकाउंटेबिलिटी का जो इशू है वो भी शायद बैंक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है
वो चाहे कंसोर्शियम है, JLF है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग शायद उस स्पीड से नहीं हो पाती जिस स्पीड से होनी चाहिए। True. और ऑल्सो क्या होता है, हर आदमी हर इंसान है, अगर मैंने ही गलती की है और मुझे ही उसे क्लीन अप करना है तो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि आपको फिर वो अक्नॉलेज करना पड़ता है कि हमने ये जो प्रोजेक्ट अप्रेजल की उसमें ये गलती की, हमारे डॉक्यूमेंटेशन में ये सब गलतियाँ है, इसकी वजह से हम प्रमोटर को पुश नहीं कर सकते हैं। ये सब बहुत हार्ड होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, बहुत ये मानना पड़ता है कि हमारी गलतियाँ हुई है। या आप जब भी ARC को दे देंगे तो ARC का तो इसमें कुछ लीगसी नहीं है, और ये तो उनका पास नहीं है, यू नो वो तो जो है उसको लेते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है थर्ड पार्टी के लिए। नॉट जस्ट इंडिया में, हर जगह पे क्लीन अप जो करना है NPL का, रिकवरी करनी है, ये थर्ड पार्टी के लिए ज़्यादा ईजी है। जो जो बैंकों के लिए NPA हुई है उनको खुद को करना थोड़ा हार्ड है। तो इसका मतलब क्या, ये माना जाता है जो बैड बैंक की जो बात चल रही है, जो सरकार कर रही है, तो बैड बैंक का आइडिया आप समझते हैं कि एक अच्छा आइडिया है? सी, ये जो ARCs जो अभी है हमारी, ये भी एक बैड बैंक ही है। तो ऑलरेडी हमारे पास तो आज 18 बैड बैंक ऑलरेडी है। आई थिंक ये जो गवर्नमेंट ओन बैड बैंक की बात है, इसमें काफ़ी इश्यूज है मेरे हिसाब से। तो ये जो आपने 1585 की बात करी सर, तो मतलब ये मान के समझा जाए कि 5.95 जो पहले था और ये 1585, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, कैपिटल की कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है ARC? ये ARC को कैपिटल की कोई कमी नहीं है, और ये 595 से 1585 से एक अच्छा हुआ कि ARC का अपना जो हम बोलते हैं इंग्लिश में स्किन इन द गेम, जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा इंक्रीज हो गया, और इससे ARC ज़्यादा पार्टनर है। और ये जो ARC है, एक पार्टनर भी, एक एजेंसी भी है। जब भी 595 था तभी उनकी पार्टनरशिप 5% की थी और 95% उनका एजेंसी का जॉब था। अभी 15% पार्टनरशिप हो गई, 85% एजेंसी का जॉब है, और ये काफ़ी बैलेंस्ड है, क्योंकि 15% इज़ अ सिग्निफिकेंट मनी। अगर आपने 500 करोड़ की अगर एसेट ली, तो आपने अपने खुद के 75 करोड़ भी डाले हैं, तो ये आपका काफ़ी खुद का रिस्क कैपिटल भी है उसमें, और साथ में आप एजेंट भी है पूरे 500 के लिए। तो आई थिंक ये अच्छा बैलेंस है, ये काफ़ी एलिगेंट सॉल्यूशन है। इनफैक्ट काफ़ी यूरोपियन कंट्री अभी इसको अडॉप्ट कर रही है। तो आप काफ़ी बुलिश हैं कि ARC के थ्रू NPA की समस्या शायद किसी हद तक दूर हो सके? आई थिंक हो सकती है, इट इज़ नॉट द ओनली आंसर। आई थिंक इसके लिए तो बहुत लोगों को बहुत काम करना है। ARC एक सॉल्यूशन है जहाँ से अच्छा काम हो रहा है। एक क्रिसिल का रिपोर्ट था कि ARCs का रिकवरी रेट अभी तक का 50% का है, और बैंक की रिकवरी रेट इज 25%। तो अगर बैंक अपने आप 25% रिकवर करती है तो ARC 50 रिकवर है। पर फिर भी सर, रीज़न क्या है कि बैंक बहुत ज़्यादा शायद एग्रेसिव नहीं है इन ट्रांसफरिंग द एसेट्स टू ARC? वैल्यूशन एक समस्या है? एक्चुअली इसके दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि आपने जो कहा प्राइसिंग का प्रॉब्लम, अगर बैंक बहुत ज़ोर से हेयर कट लेगी तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो उनकी फिर कैपिटल एडिक्वेसी पे उनको प्रॉब्लम आएगा, कल जाके इन्वेस्टिगेशन होगा कि आपने इतना बड़ा हेयर कट क्यों लिया। तो एक तो ये प्राइसिंग का इशू है। सेकंड ज़्यादा इशू है कि बैंक्स के पास रेगुलेटरी कैपिटल कम है लेकिन लिक्विडिटी बहुत है, आफ्टर अभी जो डीमोनेटाइजेशन के बाद भी। तो बैंक से सोचते हैं कि हम अगर इसको बेचते हैं और हम कैश लेते हैं, लेकिन वो कैश का हम खरेंगे क्या? तो बैंक के लिए कैश की अभी शॉर्टेज नहीं है, लिक्विडिटी की शॉर्टेज नहीं है, उनके पास रेगुलेटरी कैपिटल नहीं है। अगर वो हेयर कट लेंगे तो उनकी रेगुलेटरी कैपिटल कम होगी, उनकी लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, लेकिन उनको लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वजह से ये बैंकों के लिए प्राइसिंग बहुत हार्ड हो रहा है। पर जो डिमोनेटाइजेशन की बात की सर आपने, मुझे पता नहीं, मेरा मानना ये है, हो सकता है मैं सही हूँ या गलत हूँ, कि ये जो बैंकों के पास पैसा जो आ गया है ये तो पब्लिक डिपॉजिट है, तो अभी पहले ही वो कैपिटल की क्राइसिस थी, वहाँ पर कैपिटल की शॉर्टेज थी, अभी पैसा और आ गया, वो लैंड तो तब कर पाएंगे जब उनका भी मैचिंग कंट्रीब्यूशन, उनकी भी कैपिटल के पास। वो जो हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्यूसी बहुत कम है जी। तो उनकी इक्विटी कैपिटल कम है, उनके पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके पास इक्विटी नहीं है। तो ये जो डिमोनेटाइजेशन की बात की सर, अगर आपके बिजनेस में देखा जाए, जितने भी आपके एरियाज हैं, वो डिमोनेटाइजेशन से आपको क्या इम्पैक्ट हुआ, मतलब आपको कुछ अच्छा उसका कुछ नतीजे आपको लग रहे हैं, या कुछ आपको सेटबैक लगे डिमोनेटाइजेशन से? सी, ओवरऑल जो भी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में है, बैंक में है, म्यूचुअल फंड में है, इंश्योरेंस में है, कैपिटल मार्केट में है, उनको तो फ़ायदा ही हुआ है। और फ़ायदा इसलिए हुआ है कि जो इनफॉर्मल था वो अभी थोड़ा फॉर्मल हो गया है, जो कैश की इकोनॉमी थी वो अभी फॉर्मलाइज हो गई है,
और ये जो लिक्विडिटी जो आउटसाइड जो सिस्टम थी वो भी इनसाइड द सिस्टम आ गई है। जो छोटे लोग हैं जो SME सेक्टर्स में हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, उनकी मजबूरी थी, उनको रहना पड़ता था अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि कई बार हम भी जब जाते थे खरीदने के लिए तो हम भी सोचते थे कि चलो कैश में खरीद लो तो टैक्स नहीं लगेगा, सामान सस्ता मिलेगा। अब नाउ आई सपोज दे विल आल्सो शिफ्ट टू एन ऑर्गेनाइज सेक्टर इनफैक्ट, सो उनको भी शायद लेंडिंग में भी आराम मिलेगा, बैंक भी उनको जल्दी देंगे, आप जैसी NBFCs कंपनी हैं वो भी शायद उनको जल्दी से लोन देंगी अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होंगे। तो MSME सेक्टर के लिए या पर्टिकुलरली SME सेक्टर्स के लिए सर आपकी क्या स्कीम्स हैं? आपका जो ये सवाल था MSME के लिए, सो हमारा एक प्रोग्राम है SME के लिए, तो हम SMEs को अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन देते हैं, बिजनेस लोन देते हैं, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन देते हैं। हमारा एक प्रोडक्ट है E-Million करके है, जो 10 लाख तक की अनसिक्योर्ड लोन SME के लिए है। ये EMI बेस्ड है, 4 ईयर का इनका रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट होता है EMI का। ये काफ़ी पॉपुलर है और एक काफ़ी ग्रो हो रही है। तो हमारी SME का जो हमारा SME फाइनेंसिंग का बिजनेस है, ये करंटली इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस हमारे इधर है। और इसके साथ में पांचवा है, हमने एक SMEs के लिए कमोडिटी फाइनेंसिंग का बिजनेस चालू किया है, जिसमें हम लोगों ने हमारे खुद के वेयरहाउस हैं। और अगर आप एक SME हो और आपके पास कमोडिटी है, आप अगर इसे कॉटन स्पिनिंग करते हो, जिनिंग करते हो, आपके पास कॉटन है, अगर वो माल अगर आप हमारे वेयरहाउस में छोड़ते हो तो उसके सामने हम आपको फाइनेंसिंग कर सकते हैं। अच्छा, SME सेक्टर में सर एक सबसे बड़ी समस्या और आती है, बैंक्स में ज़्यादा ही देखने को मिलती है, कि क्रेडिट रेटिंग की। मतलब होता यह है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, जो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो भी थोड़ी कंजर्वेटिव हो गई हैं, तो वो भी इन्वेस्टेबल ग्रेड में आने में SME को थोड़ा दिक्कत होती है। जब वो बैंक जाते हैं तो बैंक उनसे कहता है कि भाई Basel III की रिक्वायरमेंट है, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग चाहिए तो पहले आपको एक्सटर्नल रेटिंग लेके आनी पड़ेगी। एक्सटर्नल रेटिंग वाले भी थोड़े कंजर्वेटिव हैं, तो बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि उनके इन्वेस्टेबल ग्रेड में वो नहीं आ पाते। तो आपकी NBFC में भी जब आप लोन देते तो आप भी वो एक्सटर्नल रेटिंग के लिए कुछ बात करते हैं उनसे? नहीं, हम जो हमारी NBFC है, हम तो इंटरनल रेटिंग करते हैं, क्योंकि हमारा इंटरनल जो असेसमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो आपने रेस की क्रेडिट रेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में अभी भी हर कोई इन्वेस्टेबल कैटेगरी को ही देते हैं, लेकिन ये जो नॉन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है उसको भी क्रेडिट मिलनी चाहिए, मे बी थोड़ा हाई प्राइस पे मिलनी चाहिए। सो ओवरऑल अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो हर किसी को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जो नॉन इन्वेस्टेबल ग्रेड है उनको भी एक रीजनेबल रेट में मिलेगा। और एक स्कीम है जो गवर्नमेंट अभी सोच रही है, वो शायद इम्प्लीमेंट होगी, ये होगी क्रेडिट एनहांसमेंट स्कीम। सो ऐसे एजेंसीज आएंगे NBFCs अदर्स के, जो वो MSME का थोड़ा क्रेडिट गारंटी करके उनकी क्रेडिट एनहांसमेंट कर देगी, और वो क्रेडिट एनहांसमेंट से शायद उनको इजीली एक्सेसिबल होगी लोन। सो ये जो स्टील और उसकी बात की आपने, वो सही है, लेकिन क्या होगी, एक बार एक डिमांड भी क्रिएट होगी तो आज हर कोई सोचता है कि पावर में ओवर कैपेसिटी है, लेकिन पावर यूटिलाइजेशन कम है, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी तक भी पावर की आदत नहीं हुई है। काफ़ी लोग बोलेंगे एयर कंडीशनर यूज़ करना है, 24/7 पावर का एक बार हैबिट हो जाती है लोगों को, तो उसके बाद पावर कंजम्पशन इंक्रीज होगा। तो आई थिंक पावर में, रोड में, पोर्ट्स में अभी भी बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन ये क्या है, हमें इसको अफोर्डेबल करना है। यह जो हम बात करते हैं इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आई थिंक उसके साथ और एक चीज़ है, ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आएगा, पावर है, पोर्ट है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत हाई है, तो उसका इकोनॉमिक रिटर्न आने वाला नहीं है। तो हमें कॉस्ट को कम करके, कम खर्चे में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डालते हैं, लाइक आपके इधर दिल्ली में मेट्रो आ गई, उसके बाद पूरा सिटी चेंज हो गया। हर सिटी में इंडिया में, हैदराबाद है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, उधर भी मेट्रो की आवश्यकता है। तो ये सब तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ही, लेकिन हमें इसे स्मार्टली, एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना है। तो इंडिया में आई थिंक अनदर 8-10 साल के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके ही बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा सर, ये जो रिजर्व बैंक के जो स्कीम थी AQR, आपको लगता है कि ये एक अच्छा कदम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? एक्चुअली काफ़ी अच्छा था, आई थिंक ये बहुत एक्चुअली एफिशिएंट अप्रोच था, क्योंकि क्या था, काफ़ी बैंकें एवरग्रीन कर रही थी। आज भी आप जो 8 लाख 9 लाख करोड़ जो बैड डेट का प्रॉब्लम है, इसमें से 2 से 2.25 लाख तो जो इंटरेस्ट आर्टिफिशियली ऐड हो गई, जो एवरग्रीनिंग के लिए बैंकों ने और भी दिए पैसे और उसके सामने इंटरेस्ट को वो उनको क्रेडिट कर दिया। सो ये जो एवरग्रीनिंग के हिसाब से ये जो बलून हो रहा था, AQR प्रोसेस ने एवरग्रीनिंग को स्टॉप कर दिया।
बैलेंस शीट क्लीन करने की इतनी नहीं होगी ज़रूरत, थोड़ा स्ट्रेस आएगा, उनके एनपीएस थोड़े इंच हो गए हैं क्योंकि अभी हमने काफ़ी एमएफआईज जो देखे, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया के एमएफआई थे उनके कलेक्शन 80-85% हो गए हैं। और आपको तो मालूम है कि एमएफआई में 98-99% कलेक्शन की आवश्यकता है, तो काफ़ी एमएफआईज के थोड़े एनपीए अपटिक हो गए हैं। ये बड़ी क्राइसिस है नहीं क्योंकि ये सब काफ़ी एमएफआई के पास एक्विटी कैपिटल भी है, तो ये क्लीनअप तो हो जाएगा, तो इसके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसको क्लोजली मॉनिटर करना है और ये करना है कि थिंग्स इम्प्रूव होए, दे शुड नॉट गेट वर्स। अभी फिक्की में भी आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और अगले साल आप प्रेसिडेंट फिक्की में बन जाएंगे, तो उसके लिए आपका क्या रोड मैप है? ये क्या है, आपने देखा होगा फिक्की बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी सालों से है, काफ़ी इवॉल्व भी हुई है। एक चीज़ मैंने भी देखा है लास्ट 8-10 साल में जब भी मैं इन्वॉल्व हूँ फिक्की में, फिक्की हैज़ दिस एबिलिटी टू री इन्वेंट इटसेल्फ। और अभी तक था कि हम काफ़ी इवेंट्स और कॉन्फ्रेंस करते थे, गवर्नमेंट पॉलिसी एडवोकेसी करते हैं, अभी हम वहाँ पे थिंक टैंक की भी काफ़ी कैपेबिलिटीज यू नो बिल्ड कर रहे हैं। सो ये थिंक टैंक है जहाँ हम रिसर्च करते हैं, आइडिया करते हैं, वो भी हो जाएगा। पॉलिसी और एडवोकेसी में तो अभी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि, और ये गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ये गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर आइडियाज़ एंड ऑल, वो फिर इम्प्लीमेंट अपने हाथ से करते हैं, लेकिन इनके साथ इंटरेक्शन काफ़ी इंक्रीज हो गया है। तो आई एम होपिंग कि अगले 1-1.5 साल में ये इंटरेक्शन, एडवोकेसी, थिंक टैंक, ये सब एक्टिविटी में काफ़ी इंक्रीज होगा। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ क्योंकि मैं भी इसका गवाह हूँ सर। मैं एक हमारा एक चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, उसमें मैं प्रेजिडेंट हूँ, और ये बड़े गर्व की बात है कि इस बार इस छोटे से चैम्बर को भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बुलाया था प्री बजट कंसल्टेशन में, और जो हमने अपने सजेशंस दिए थे उनमें से 3-4 सजेशन इमीडिएटली मान लिए गए और बजट में इम्प्लीमेंट कर दिए गए। रशि जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ पॉलिटी टॉक शो में भाग लेने के लिए और अपना समय निकालने के लिए। इस प्रोग्राम का अंत करूँगा एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक क्लास थी, उसमें एक टीचर थे, तो वो टीचर आए और उन्होंने कहा कि मैंने आप सब लोगों की डेस्क में एक क्वेश्चन पेपर रखा है और आपका एक सरप्राइज टेस्ट होगा, तो अपने क्वेश्चन पेपर को निकालो और 10 मिनट का आपको टाइम है और उसके ऊपर साथ में एक अलग आंसर शीट भी है, आपको उसमें आंसर लिखना है। तो सब बच्चे एकदम घबराए कि सर हमें 10 मिनट का टाइम दे दो, हम कुछ बुक देख लें देख लें। उन्होंने बोला नहीं नहीं ये सरप्राइज टेस्ट है, आपको कोई कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए। तो सब बच्चों ने अपना क्वेश्चन पेपर निकाला, तो वो जैसे उल्टा रखा था उसको सीधा किया तो उसमें देखा कि बीच में एक ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है पेपर में, बस दैट्स ऑल। तो बच्चों ने कहा, सबने कहा कि सर ये क्वेश्चन पेपर कहाँ है? उन्होंने बोला यही क्वेश्चन पेपर है, आपको इसके बारे में जो समझ आता है वो आप लिख सकते हैं। तो सब बच्चों ने क्या किया सर, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने लिखा उस ब्लैक स्पॉट के बारे में, किसी ने उसको कैसे डिफाइन किया, किसी ने किसी दूसरी तरह से डिफाइन किया, सो सब उस ब्लैक स्पॉट के बारे में सब ने अपना डिफाइन किया उसको, और वो 10 मिनट बाद उन्होंने कॉपी ले ली। देन द टीचर टोल्ड कि देखो ये एक जिंदगी की सच्चाई है, हम लोग क्या करते हैं कि 99% जो पेपर था वो वाइट था और जो 1% पोर्शन था वो ब्लैक था, लेकिन आपने किसी ने भी 99% के बारे में नहीं लिखा कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है और बीच में एक नेगेटिव चीज़ है। तो आपसे बात करके आज वो 99% हमने ढूंढने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।